मलेशिया में मिले कोरोना वायरस के नए रूप यानी नए स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही महामारी के टीके और दवाओं की खोज में लगे साइंटिस्ट को अब एक नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए कि कोविड का यह रूप अब तक मिले कोविड स्ट्रेन से 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। मलेशिया के एक क्लस्टर में सामने आए 45 में से कम 3 मामलों में यह स्ट्रेन D614G पाया गया है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस स्ट्रेन को पहले भी देखा गया था। यूरोप और अमेरिका में यह वेरिएंट भारी मात्रा में मिला था। आपको बता दें कि मलेशिया में जिन 3 लोगों में कोविड के D614G स्ट्रेन मिला है, उनमें से एक रेस्टोरेंट मालिक भी है जो भारत से लौटा था। हैरानी की बात यह है कि उसने 14 दिन का होम क्वारंटीन फॉलो नहीं किया, जिससे संक्रमण औरों में फैल गया। अब उस व्यक्ति को 5 महीने के लिए जेल भेजा गया है, साथ ही उस पर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। मलेशिया के ही एक और क्लस्टर में इस स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। वहां के लोग फिलीपींस से लौटकर मलेशिया आए थे। मलेशियाई स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक नूर अब्दुल्ला के मुताबिक इस स्ट्रेन के मामले सामने आने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वैक्सीन पर जो भी स्टडीज हुई हैं, वो इस स्ट्रेन के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। ये भी संभव है कि इस म्यूटेशन पर वैक्सीन का कोई असर ही ना हो। अब्दुल्ला ने कहा, इस वक्त क्लस्टर्स को मैनेज किया जा रहा है, हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं और अलग अलग परिस्थितियों के लिए तैयार हो रहे हैं।